अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। उस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स और इसके साथ साथ उसकी जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। अब हम अपने चैप्टर का अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका अगला चैप्टर नेक्स्ट बुक का जो अगला चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ नागुजी वजूहत की बुनियाद पर हम लोग चैप्टर नंबर 9 को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वरना चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना था एंजाइम्स वाला, लेकिन अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा और डिटेल चैप्टर है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो ये कि हम एनिमल किसे कहते हैं, एनिमल क्या होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर की डिटेल की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टर्म जो एनिमल या वर्ड जो एनिमल हम यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है। एनिमल का वर्ड ड्राइव किया गया है एनिमा से, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लातिनी जबान का एक वर्ड है एनिमा, उससे ड्राइव किया गया है एनिमल। और इसका मतलब होता है ब्रीथ और सोल, मतलब सांस लेना या रूह जो होती है ये इसकी मीनिंग बनती है। तो एनिमल की टर्म ड्राइव की गई है एनिमा से और इसका मतलब होता है ब्रीथ और सोल, और ये लैटिन लैंग्वेज यानी लैटिन जो है ना इससे ये जबान से ओरिजिनेट हुआ है ये वर्ड एनिमल्स।